सभी का वेलकम करती है आज के न्यू ब्लॉग में। आज है 11 अगस्त। 10 अगस्त का मैंने ब्लॉग स्किप करा क्योंकि तबीयत के वांदे लगे पड़े, आपको पता ही है। ठीक है, और थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए रहता है। वीकली वन डे तो मैंने बोला भी है आपको कि वीकली वन डे तो मैं रेस्ट लूँगी, एक दो दिन बीच बीच में ब्लॉगिंग से। तो फिलहाल अभी सुबह बज रही है, सुबह के बज रहे हैं 9:15। और नहा धो ली हूँ मैं, तैयार हो गई हूँ, नाश्ता करना है बस अभी। और आज मुझे निकलना है कहीं पर, कहाँ पे निकलना है वो आपको मैं बता ही दे रही हूँ साथ साथ ही। ठीक है, मम्मी और भाई वगैरह सब मेरे आ रहे हैं मायके से, है ना। तो हम लोग आपको एक सेकंड रुक जाना होने। तो जैसे आपने देखा था ना कुछ दिन पहले मैं वहाँ पे गई थी अपने घर हरियाणा, तो आज हमने वहीं जाना है वापस से। तो वहाँ जाएंगे, तो फिलहाल मैं नाश्ता कर लूँ फिर निकलेंगे तैयार होके। मुझे रास्ते से ले लेंगे लोग, अभी तबीयत के वांदे लगे पड़े हैं गंदे वाले, आज पेट दुख रहा है मेरा। और बारिश ना ऐसी नॉन स्टॉप बारिश है यहाँ पे भाई, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, खतरनाक बारिश लगी हुई है रात भर से। और फिर आपने देखा अभी न्यूज़ में देख रहे थे हम लोग, ढिमकी का मंदिर नहीं जो मारकंडे में जो है यहाँ पे, ये देख लो बारिश होते हाल, ढिमकी का मंदिर है वो गिर गया यार बारिश में। ऐसी बारिश में, अब बारिश होती है तो नुकसान होते हैं, नहीं होती तो बोलते बारिश हो जाए। मुझे भी डर ही लग रहा है जाते जाते। और जहाँ से मम्मी वगैरह आ रहे हैं ना वहाँ पर ना बहुत लैंडस्लाइड होता है, तो थोड़ी देर में पूछ ही रही हूँ लोगों को फ़ोन करके कि कहाँ है क्या। चलो फ़ोन करती हूँ मैं वापस से इनको, ठीक है, बने रहे आगे के ब्लॉग में, तैयार होकर वापस मिलती हूँ। वही नाश्ता लिया बेटे, डाल के लिया उन्होंने आप मेरा ही। ये हमारी छुनछुन है जी, जो आज अंदर करी हुई है हमने, इसको हम अंदर कमी कर रहे हैं। ये दुग्गल जी है जी, ये सब लोग करेंगे जी आप बिंदड़ी का, सब लोग अपनी बिंदड़ी का वेट करते हैं। आपसे अपनी बिंदड़ी का वेट नहीं होता नाश्ते में भाई। अपन तो गाएगा भाई। कार्टून ही है, कार्टून ही है। ये किसने, ये आपके बेटे ने किया हुआ जी? हाँ तो ये वही लेके जाएगा, मैं नहीं। मेरे नाश्ता, ये तो मेरे का नाश्ता, ये नाश्ता किसका, मेरा या तेरा नोनी? तो गाइस ये ना मेरे को कल एक प्रमोशन के लिए एक प्रोडक्ट आया है, मैं दिखा देती हूँ। और ये पता है क्या है, कान्हा जी का बेड है ये, तो जोनू बोनू का भगवान जी का बेड, इस पे सुलाएंगे हम। तो इसके इसकी मुझे प्रमोशन करनी है गाइस, ऐसी चीजें मुझे आती रहती है। एक बार तो मुझे डर लग गया था कि भाई इतनी बड़ी पेटी में बॉम्ब तो नहीं है। थैंक यू नोनी, इनको मंदिर डाल दूँ, देखो जस्ट अ सेकंड भाई दिखा दूंगी मैं तेरी हरकतें की क्या कर रहा है। चम्मच ला दो, पानी का एक गिलास ला दो। तो गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं, है ना। तैयार ही मिलती हूँ अब तो। लो जी दोस्तों तैयार हो गई हूँ मैं, है ना। और मम्मी और का फ़ोन कभी भी आ सकता है। सूट मैंने ये वाला पहना हुआ है क्योंकि सूट ही पहन के जाना था, टाइम मेरे बच चुके हैं इतने। तैयार हुआ है तो बस फ़ोन का वेट कर रही हूँ, जैसे आएंगे वैसे निकलेंगे। बारिश नॉन स्टॉप लगी हुई है, नॉन स्टॉप। वैसे तो ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए इस मौसम में गाइस, बट हमारा जाना ज़रूरी है तो इस करके हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से रहो, बारिश में निकलना मत बट बाहर, अर्जेंट हो तो ही जाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आपको मिलती हूँ लोग के साथ में, देखती हूँ कब फ़ोन आता है गाइस। बन रहे आगे के ब्लॉग में गाइस, काफ़ी टाइम हो गया। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, मम्मी वगैरह भी आ गई थी, है ना। हेलो कर दो मम्मी ब्लॉग में, हेलो कर दो मम्मी, हेलो। यूँ हाथ लगे, तू भी कर दे भाई हेलो। इसको तो आप देखते रहते हो भाई साहब को। तो अभी हम निकले हैं यहाँ से, टाइम अपना 10 ही बज गए हैं। तो लड़की कब तक पहुँचते, कोशिश करूँगी आज मिलवाने की अपने रिश्तेदारों से, चाचाओं से, वो भी रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो बारिश में तो स्पीड पकड़ी हुई है गाइस, बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है ना। और ये वाले पानी की नदी को भी मारकंडा ही बोलते हैं, बट वो जो मंदिर टूटा है ना डिमकी मंदिर नहीं गाइस, डिमकी मंदिर को देखो पानी कितना सारा है भाई, खतरनाक सा लग रहा। हाँ डिमकी मंदिर नहीं है गाइस, वो डिमकी मंदिर के साथ एक हनुमान मंदिर था वो टूटा है, बताने में बड़ी मिस्टेक है। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कालेआम, कालेआम से हमने लेना है बुआ जी को, फिर कुछ सामान लेना है फिर निकलेंगे आगे। तो गाइस अम्बाला नहीं, अम्बाला कालेआम पहुँचे हैं, यहाँ से बुआ जी को लेना है हमको। बुआ जी किधर खड़ी है, वी डोंट नो, पुल के पास ना जो रही यहाँ खड़ी जाए, मुंजी ऐसी खड़ी, मुंजी ऐसी दिख रही है आगे आगे जहाँ पे ये मार्ग पुल है, पुल है पुल के पास तो जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो
आगे कुछ हो तो नहीं गया हुआ? बुआ कितने है? लब दी नहीं पई, बोर्ड के नीचे खड़े हम। तो जी बुआ जी इंगे खड़ी है किंगे। आप ना अपने बाबू जो रखा करो। वो तो नहीं खड़े आगे? ये खड़े है ना? यो है। हाँ देखा, मैंने शक्ल देखते पहचान लिया मम्मी, जबकि मैंने बचपन में देखी हुई थी, बचपन के बाद आज देखूंगी इन्ने साल बाद। आ रही जी तड़ी बुआ। आ जाओ आ जाओ। चलो जी खोलो मम्मी। दो बुआएं अपने को और उठानी थी यहाँ से ढोरे से, जो कि हम उठा चुके हैं वो लास्ट में देखेंगे आप। वो ये दोनों बुआएं छोटे मिला के तीन बुआएं, और हमारा परिवार इतना बड़ा है हमें खुद ही नहीं पता कि हमारी बुआएं हैं। पापा से छोटी वाली बहन है, मेरे पापा से छोटी वाली बहन है, सारी पीछे। दूर है बुआ जी और आगे घर में जाके हम लोग यहाँ, क्योंकि फंक्शन जो भी है मतलब पैलेस में, तो गांव हमारा पीछे रह गया, गांव से आगे हम आ रहे हैं। ये सड़क वो गाड़ियाँ खड़ी ना जहाँ, वही होएगा। ओदे चाचे खड़ा आगे। हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ हमने पहुंचना था, और जैसा आप देख रहे हो लेडीज बैठी हुई है, मैं बैठी हुई हूँ कुर्सी पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीचे बैठने में प्रॉब्लम रहती है। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो थोड़ी बाहर बैठी हुई थी, तो वही ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पा रही यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये मेरी चाची हैं। हेलो कर दो चाची। ये जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तब ये वाले चाची आए थे, घर रुके थे, मतलब मेरे मायके, तब मेरी शादी हो गई थी तब, तो तबीयत थोड़ा उठ के बाहर को आई हूँ घूमने, थोड़ा ठीक लगेगा। वहाँ बैठे हैं, वहाँ मॉल थोड़ा वैसा सा होता है ना, क्योंकि हम लोग डेथ पे आए हुए हैं यहाँ पे। मेरे फादर के जो कज़न ब्रदर है उनकी वाइफ की डेथ हुई है, तो इस करके मैं शूट कम ही कर पा रही हूँ। इन लोगों की चली हुई है गॉसिप, और ये वो वाले चाचा जी की वाइफ हैं जहाँ हम घर में गए थे ना, जिनके लास्ट काला चाचा करमचंद वो वाली चाची हैं। ये देखो ये सब पूरा टब्बर अपना ही है गाइस, ये मुझे कुछ नहीं पता कौन कौन है कौन नहीं है, मैं तो सबको नमस्ते 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 करती हूँ। कुछ लोग आके मिल रहे हैं, कुछ बुआएं कुछ दीदी हैं, और यहाँ से फ्री पता नहीं कब तक होएंगे, देखते हैं। और यहाँ पे एक रिवाज है गाइस, औरतें अलग बैठती हैं यहाँ पे और जेंट्स अलग बैठते हैं, जेंट्स वो वाले साइड बैठे हुए हैं, है ना, पूरा अलग ही रखते हैं। मतलब हमारे नान में तो ऐसा नहीं है, ये मेरी एक और बुआ है पापा से छोटे वाली, ये जो गए है ना, बहुत सारी बुआ ही है मेरी। हाँ खेल गेड़ी मार के आएंगे, घूम रहे हो तो किया था मैंने फोन, उधर ही नहीं, इधर नहीं आ सकते ना, इधर नहीं आ सकते ना, यहाँ को बुला लूँ। तो ये जी जेंट्स पार्टी इधर है, ये भाई मिट्टू महेश आड़ी जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जी, ठीक हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये चाचा जी रजनीश, फूफा जी कौन? मैं इनके डैडी का दोस्त।
अच्छा अच्छा दोस्त है तो चाचा ही समझ लो। तो ये है जी, देखो यहाँ पे चलो आ जाओ चाची से मिलवाने लाई मैं तो तुमको। क्या कह रहे थे आप, क्यों बुला रहे हैं? चाची से मिलवाने। चलो जी यहाँ मिलना मिलाना चल रहा है, चल आ जा तू भी। इंगेन आ जा, मैं इंगेन हूँ, मुझे लैंग्वेज नहीं बोलने आती यहाँ की, बहुत खड़ी बोली बोलते हैं यहाँ पे लोगों को, मेरी लैंग्वेज ढूंढ लगती है, बट यहाँ और तो भी लैंग्वेज सुनेंगे ना ऐसे लगेंगे जरात से खाक मार रहे हैं। अब थोड़ा तो मेरे में भी रहेगा ना, मेरे बाप का फोन है मेरे में, थोड़ी तो लैंग्वेज भी रहेगी कहाँ। दीदी का नाम छुट्टी नहान कर तो दिया। जी यहाँ पे गाइस नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, ये बुआएं हैं मेरी, ये जर्नेलो बुआ जी, ये कौन सी बुआ जी, नेबो बुआ जी, एक किरणा बुआ जी, और दूसरे छोटे वाले हाइट के वो कहाँ गए, और मौसम ऐसा कुछ हो चुका है यहाँ पे गाइस है ना, और जो भी है यहाँ पे रिचर्स चले हुए हैं, अब रस्म पगड़ी होएगी अंदर ही होएगी वो भी। एंड गाइस ये दोनों भी मेरे भाई हैं, मक्खन को तो आप जानते ही हो, चाचा जी इनके घर गए थे ना लास्ट टाइम, काला चाचा मतलब करमचंद चाचा जी, उनके दोनों बच्चे हैं, मेरे से तो काफ़ी छोटे हैं काफ़ी साल, तो यहाँ पे नंबर एक्सचेंज चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले थे, गॉसिप चल रही है ना। और ये हैं मेरे चाचा जी पगड़ी वाले जो कि आपने देखे, जो कि सरपंच भी रह चुके हैं, और मैक्सिमम हमारी फैमिली से ही गांव के सरपंच चूज़ किया करते थे, पहले ऐसे ही होता था गाइस, जब सरपंच होते थे गांव में, अभी भी होते हैं है ना। और ये वाले चाचा जी इनका नाम है हकम चाचा जी, इनका अपने काश्रम है शाहबाद रोड पे, कभी मौका लगा तो आपको दिखाऊंगी वो भी है ना, यहाँ पर मिलना मिलाना चला हुआ है, और देख रहे हो आप ब्लॉग में आगे। और ये हमारी फैमिली के बहुत क्लोज़ थे गाइस है ना, मतलब क्लोज़ हैं अभी भी, और ये बहुत अच्छी है नेचर वाइज, बहुत प्यार रखते हैं, मुझे कहते हैं तू मेरी छोटी बहन जैसी लगती है, मतलब अपनी बुआ पे गई है तू। गाइस ये मेरे चाचे का छोकरा है, मेरे से छोटे वाला भाई, नाम बता अपना चल। ये तो शर्मिला है। बस घर वापसी हो गई अपनी के लिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब लोग जा ही रहे हैं, ब्लॉग जितना मैं शूट कर पाई किया मैंने, बाकी जो मेरे घर आएंगे गेस्ट सब, वो रहा जी अपना ड्राइवर साहब, उधर ही आना क्या, चलो चलिए, चलो ठीक है चाचा जी, मिलते हैं फिर, यहाँ से जा रहे हैं ठीक है चलिए। हाँ जी ओ भाई ठीक है चाचा जी, फिर मौसम है कच्चा, आरामदारी से चलेगा बेशक, घंटा फल ये तो ध्यान से चलता है, आराम से चले बेटे, अंदर वहाँ रख दे तू कहीं को, चल ठीक है रवि बाय बाय, आइयो फिर तू है नी, कोई बात नहीं उधर चक्कर लगता रहे, हाँ नहान तो यही है, अरे वाह यहाँ डाल दे इसके अंदर, तो भी है इसके अंदर डाल दे मक्खन, इसके अंदर इसके अंदर, अभी दो मिनट अपनी सवारी आ चुकी है वापस, ये देखो बच्चे घुमाए चले जगह पे छोड़ते छोड़ते वापसी घर को, अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, मेरे भाई सारे मेरे भाई थे, ये सब भाई हैं, बस आपको तो आते आते याद आएगा, मुझसे नहीं मिली, उससे नहीं मिले, उससे नहीं मिले, पर बरखा शुरू हो चुकी है जी, जैसे सुबह थी खतरनाक वाली, बीच में थोड़ी देर रुकी थी वापस शुरू, चलो बाहर से निकलते हैं, जाए ना यहाँ से गाइस, देख लो यहाँ पानी कितना भरा हुआ भैया, निकल सकती गाड़ी दिख रहा पर वहाँ पूरी डूब रही आगे, वो देखो आ रही गाड़ी, पानी सारा वो देखो आ रही है, वहाँ तो ज्यादा पानी है बेटे, ज्यादा है वही तो, ज्यादा बेटे वहाँ से, चलो यहाँ से हम बैक कर रहे हैं, वहाँ से ऊपर निकाल दो, हाँ बाहर से निकलते हैं, बाइक वाले तो निकल जाएंगे यहाँ से है नी, इतनी सी बारिश में देख ले क्या हाल हो गया,
मक्खन शीशा उतार दे भैया। ये देखिए जी ये है मजे, ये देखो बारिश नहीं हुई, कहां बारिश हो, एक बारिश के जा रहे, एक दो बारिश ने ये हाल कर दिया, बताओ हद है। बंद कर दे मक्खन खिड़की, पानी आ गया, रो कर दे बंद से। और ये तो यहां तो पूरा ही भरा पड़ा हुआ है, यहां तक पूरा प्लेन हो गया बड़ा। नहान में बारिश नहीं हो रही गाइस, नहान में बारिश होने वाली है अभी। तो गाइस घर पे पहुंच चुके हैं जी, है ना, और अब यहाँ पे चल रहा है चाय पानी, ठीक है। और जो चाय पानी चल रहा है, टाइम बज रहा है हमारे 4:45, है ना, और बारिश आ रही हो, पकौड़े ना खा रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए हम अभी पकौड़े ही खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, खा रहे पकौड़े भी, दिखाते रुको। हेलो जी, आप भी हमारे वीडियो के थ्रू गाइस पकौड़ों का टेस्ट ले सकते हैं। नहीं, आपको किसने बोला पकौड़े खाने भी? गए हुए तो हम थे बाहर। Why are you eating पकौड़ास? चलो गाइस चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो गाइस घर में गॉसिप चली हुई है शाम से लेके सबकी, है ना, और मैं थोड़ी सो गई थी, फिर सो के उठी हुई हूँ, और खाना भी बना लिया और खाना खा भी लिया है। तो डिनर हमारा आज 9 बजे से पहले हो चुका है, अब बजे हैं 9, और अभी से 10 मिनट पहले हम लोग खाना खा चुके हैं सारे। मम्मी वगैरह को मैंने ही रुका दिया था, तो मम्मी और मेरे दोनों भाई तो रही हैं। और कल क्या है, कल मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, 12 अगस्त को, 12 को मेरा बर्थडे आता है गाइस, तो कल मेरा बर्थडे है। क्या बेचारे रहने, इसको रहने यहीं पे, तो बस अब खाना वाना खा के थोड़ी देर बाहर टहलेंगे और बंद करो ये सारी चारों चारों तरफ की। तो ठीक है, हमारा सोने का प्रोग्राम शुरू हो गया, 10:10 हो गया है ना। मासी और मम्मी सो रहे नीचे, बाकी सारी बर्तन सो रही ऊपर, और मैं अभी थकी हुई हूँ, सब आपको मिलेंगे वापस। इसको रन दो, बस अभी इतने ही आएंगे मेरे हाथ में। ठीक है गाइस, कल मेरा बर्थडे है, तो कल बच्चों ने कुछ प्लान किया हुआ है क्लास में, मेरे स्टूडेंट्स ने अब प्लान क्या किया हुआ कुछ पता नहीं मेरे को, मुझे तो उन्होंने गायब करके रखा हुआ है, तो जब भी मुझे फ़ोन करेंगे तब मैं क्लास जाऊंगी। ठीक है, तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ, कल के ब्लॉग में वापस मिलेंगे, ब्लॉग मिस मत करना नेक्स्ट वाला। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, पेज को भी फॉलो कर देना मेरे, जो आप देख रहे हो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, बाय।